सो हे गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू शैलेश एडिटिंग जोन। सो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ना स्नैपसीड फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर ना मैं स्नैपसीड में जितने सारे टूल्स होते हैं ना उन सारे के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आप भी स्नैपसीड के मास्टर बन जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइज क्योंकि इस वीडियो के अंदर ना स्नैपसीड में जितने सारे टूल्स हैं ना गाइज उनके बारे में मैंने बताया है और बिल्कुल क्लियर करके यानी कि फाड़ के रख दिया है कि किस टूल से आप क्या कर सकते हैं। तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट वॉच कर लेते हैं गाइज ना तो आप भी स्नैपसीड के मास्टर बन जाएंगे। और गाइज इस वीडियो को आप तभी ओपन कीजिएगा जब आपके पास समय है। और इस वीडियो को बनाने में गाइज मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो भी कर लीजिएगा। और गाइज इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी स्नैपसीड ऐप को ओपन कर लेना होगा। और गाइज इस वीडियो के अंदर आपको ना स्नैपसीड के ऐप में जो भी टूल्स 28 टूल्स गाइज आपको दिए होते हैं उन सारे के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को गाइज आप थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो के लास्ट में ना आप स्नैपसीड के मास्टर बन जाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये स्नैपसीड हम लोगों का यहाँ पे ओपन हो चुका है गाइज। और ओपन हो जाने के बाद सिंपल से आपको यहाँ कुछ सेटिंग्स हैं उन्हें पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि किससे क्या होता है। तो गाइज सिंपल से आपको ऊपर साइड में 3 डॉट के आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो गाइज सेटिंग में आके आप यहाँ ना कुछ भी यहाँ पे छेड़छाड़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इस पूरे स्नैपसीड को ना डार्क मोड में करना चाहते हैं तो सिंपल से इसे डार्क थीम वाले ऑप्शन पे ऑन कर दीजिएगा। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं पूरी स्नैपसीड जो है ना ब्लैक हो जाएगी। तो अगर हम इसी 3 डॉट के आइकन पे जाके गाइज सेटिंग पे चले जाएंगे और यहाँ से डार्क थीम को हम लोग ऑफ कर लेते हैं और नीचे गाइज आपको एक मिल जाएगा ना इमेज साइज। तो इमेज साइज यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप सिंपल से आना डू नॉट रिसाइज पे क्लिक कर दीजिएगा, ये फोटो के अकॉर्डिंग साइज को एक्सेप्ट कर लेगा। तो गाइज इसके बाद आता है फॉर्मेट एंड क्वालिटी। तो यहाँ पे आपको ना मिल जाएगा JPG 100%, तो आपको इसे ही क्लिक करके रखना होगा। तो यहाँ से कैंसिल करके गाइज सिंपल से यहाँ से हम लोग बैक आ जाएंगे। और बैक आने के बाद सिंपल से ये था ये स्नैपसीड की सेटिंग्स कुछ जिन्हें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। और इसके बाद गाइज क्या करना है ना, यहाँ पे अब आता है मेन प्रोसेस कि इसमें आपको फोटो को कैसे मतलब सारे टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो बताने से पहले गाइज इसमें पहले एक फ़ोटो को हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो फोटो को ओपन करने के लिए प्लस की आइकन पे आपको क्लिक कर देना होगा और यहाँ से किसी भी एक फ़ोटो को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज मैं एक फ़ोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, किसी भी एक फ़ोटो को। तो मैं यहाँ से एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी। तो गाइज इसी फ़ोटो को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी एक फ़ोटो को गाइज आप भी ले लीजिएगा। और लेने के बाद देख सकते हैं ये फ़ोटो हम लोग की स्नैपसीड ऐप में ओपन हो चुका है। और गाइज ओपन हो जाने के बाद देखिए आपको नीचे साइड में ना 3 ऑप्शंस मिलेंगे, एक स्टाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, टूल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो एक्सटाइल पर गाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ना कुछ आपको फिल्टर टाइप के प्रीसेट टाइप के मिल जाएंगे, यहाँ से कुछ भी आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। यहाँ पर पोर्ट्रेट पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, कुछ भी गाइज स्मूथ पे यानी कि यहाँ पे एक प्रीसेट टाइप की आपकी मिल जाएगी स्टाइल में। तो यहाँ से हम लोग कट कर देते हैं गाइज, सिंपल से हम आपको टूल्स के बारे में बता देते हैं। तो टूल्स वाले आइकन पे गाइज आपको क्लिक कर देना होगा और जैसे ही आप क्लिक करेंगे गाइज ना यहाँ से आपको 28 टूल्स मिल जाएंगे स्नैपसीड ऐप में। अगर गाइज आप इन पूरे को जान लेंगे ना तो आप स्नैपसीड के मास्टर बन जाएंगे। और गाइज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, एक एक स्टेप को क्लियर करके बताऊँगा कि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो सिंपल से गाइज पहले टूल्स की बात करें तो ये है ट्यून इमेज। तो गाइज सिंपल से यहाँ से ट्यून इमेज के ऑप्शंस पे आपको क्लिक करेंगे ना तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप की इंटरफेस मिल जाएगी। तो गाइज इस पर आप टच करके ना ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे अपनी फ़ोटो की लाइट को एडजस्ट करने के लिए। तो ये होता है पहले नंबर पे आपको ब्राइटनेस मिल जाएगा, अगर आपके फ़ोटो में ना लाइट कम है तो गाइज इसे आप इंक्रीज करके लाइट को बढ़ा और घटा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी मैं थोड़ा सा इसे +5 रख लेता हूँ। अगर और नीचे आएंगे गाइज तो यहाँ पे कंट्रास्ट मिल जाएगा आपको। तो गाइज इसे भी अगर आपके फ़ोटो में कंट्रास्ट कम है तो इसे भी इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी गाइज कर सकते हो। इसे मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर लूँगा
और गाइज इसके बाद क्या करेंगे, ऐसे नीचे आके अगर आपके फ़ोटो में ना जो लाइट होता है नेचुरल लाइट वो गाइज थोड़ी सी कम है, तो आप यहाँ से इसकी सैचुरेशन को भी इंक्रीज कर सकते हैं। और गाइज जैसे ही आप इंक्रीज़ करेंगे तो देखेंगे कि हम लोग के फ़ोटो में काफ़ी अच्छे से ये जो ना ये लाइट आ जाएगी, और इसे आप डिक्रीज करेंगे तो पूरी फ़ोटो से लाइट आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो गाइज ये था सिचुएशन, और इसके नीचे आपको अम्बाइंस मिल जाएगा, इससे गाइज आपकी पूरी फ़ोटो की लाइट एक ही बार में बढ़ जाएगी, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। और इसके नीचे आपको हाईलाइट मिल जाएगी, अगर आपकी फ़ोटो में हाईलाइट गाइज कम है तो इसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और नीचे आके शैडो पार्ट ये होता है गाइज, जो भी आपका डार्क वाला एरिया होता है शैडो को आपको इंक्रीज करने से ना वो ब्राइट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप हमारे हेयर के पास देख सकते हैं, यहाँ पे डार्क था, ऐसे हम लोगों ने इंक्रीज़ किया तो ब्राइट हो चुका है। तो ये होता है गाइज शैडो का काम। और नीचे आ जाएंगे ना तो ये ऑप्शन गाइज, अगर आपके फ़ोन में फ़ोटो में ज़्यादा येलो टोन है तो इसे आप माइनस साइड में रखेंगे तो ये अच्छी सी ब्लू टोन में आ जाएगी, और प्लस साइड में रखेंगे तो ये थोड़ा सा ना येलो टोन में फ़ोटो हो जाएगी। तो थोड़ा सा मैं इसे ना माइनस साइड में रखूँगा, और सिंपल से गाइज यहाँ से आप राइट क्लिक कर सकते हैं या फिर कट क्लिक कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पे एक नीचे ऑटोमेटिक आप मैजिक वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक आपकी फ़ोटो की लाइट को ना एडजस्ट कर सकता है। ये हमें काफ़ी अच्छा लगा गाइज फीचर, और इसका सिंपल से आपको यहाँ से ना कट कर देना होगा। और गाइज ये था हम लोगों का ना ट्यून इमेज की ये क्वालिटी था कि आप अपनी फ़ोटो की लाइट को जो है एडजस्ट कर सकते हैं ट्यून इमेज से। और गाइज उसके बाद आता है हम लोगों का डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, डिटेल्स एक बहुत ही अच्छा है जिससे आपकी फ़ोटो की ना क्वालिटी बढ़ा देता है। तो डिटेल्स वाले ऑप्शंस पे गाइज आपको क्लिक करना होगा, और क्लिक करते ही फ़ोटो को मैं पहले तो गाइज ऐसे जूम कर लेता हूँ, और जूम कर लेने के बाद ना इसकी स्ट्रक्चर को हम लोग बढ़ाएंगे ना तो ऐसे देखिए गाइज कितने अच्छे क्वालिटी में हम लोग की फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगी। और नीचे आके ना इसकी शार्पनिंग को हम लोग अगर इंक्रीज करेंगे तो जो भी आपका ना ब्लर होगा स्क्रीन वो भी जो है ना अच्छे से क्लियर होके दिखने लगेगा। तो गाइज ये था डिटेल्स, तो यहाँ से मैं कट कर देता हूँ गाइज। डिटेल्स की मदद से गाइज आप अपनी फ़ोटो की क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हैं और काफ़ी अच्छे अपनी पूरी फ़ोटो को कर सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट हम लोगों का होने वाला है कर्व टूल। जी हाँ दोस्तों, कर्व की मदद से भी हम अपनी फ़ोटो की लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो कर्व वाले ऑप्शन में गाइज हम लोग क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे गाइज ना ऐसे आ जाएंगे तो यहाँ पे RGB पे आपको अगर क्लिक कर देंगे ना तो यहाँ से आप मैनुअल जो है ना लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस कर्व लाइन को अगर हम ऊपर करेंगे तो लाइट हम लोग की बढ़ेगा, और नीचे करेंगे तो घटेगा। और यहाँ पे आप कई सारे मिड टोन भी बना सकते हैं, शैडो भी बना सकते हैं, यानी गाइज यहीं से आप अपनी पूरी फ़ोटो की लाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और गाइज इसी कलर्स पे क्लिक करके यहाँ पे आपको रेड कलर भी मिल जाएगा, ग्रीन भी मिल जाएगा, ब्लू मिल जाएगा। आप किसी भी कलर को ऐसे सेलेक्ट करके गाइज ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे देखा हम लोगों ने रेड कलर को सिलेक्ट करके कर्व लाइन को नीचे की तो हम लोगों की देख सकते हैं फ़ोटो में ग्रीन टोन काफ़ी अच्छे से आ रही है। और गाइज इसके बगल में एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे आपको प्रीसेट भी मिल जाएंगे गाइज। हाँ दोस्तों, ये ऑलरेडी स्नैपसीड आपको देगा, आप किसी पर भी क्लिक करके देख सकते हैं ये कर्व जो है ना एडजस्टमेंट करके रखा रहता है। तो आप किसी भी यहाँ से प्रीसेट एक ले सकते हैं अगर जो भी आपको अच्छा लगे गाइज। यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट हैं गाइज, देख सकते हैं आपको जिस टाइप में अच्छा लगे उसे आप कर्व में सेलेक्ट करके अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बना भी सकते हैं और सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से गाइज मैं सिंपल से कट क्लिक कर देता हूँ, और कट आप जैसे ही गाइज क्लिक करेंगे तो मैंने बता दिया यहाँ से कर्व टूल की मदद से आप क्या कर सकते हैं। तो गाइज इसके बाद आता है हम लोगों का ना वाइट बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, वाइट बैलेंस की मदद आपसे ना फोटो में आप किसी भी टोन को क्रिएट कर सकते हैं। तो वाइट बैलेंस वाले ऑप्शंस पे गाइज आपको क्लिक करना होगा। अगर आप इसकी टेम्परेचर को गाइज ऐसे माइनस साइड में रखेंगे तो देखेंगे कि हम लोगों की फ़ोटो में ना ब्लू टोन काफ़ी अच्छे से आ रहा है, और ऐसे नीचे आके इसकी टिंट को अगर प्लस साइड में रखेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से आप टोनिंग बना सकते हैं। यानी कि गाइज आप अपने फ़ोटो में किसी भी टोन को अगर डालना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपल से है ना वाइट बैलेंस की हेल्प से आप डाल सकते हैं। देख सकते हैं हम लोगों की फ़ोटो में काफ़ी अच्छे से यहाँ पर कलर आ चुका है। अगर इसे हम लोग टेम्परेचर को पूरा माइनस कर देंगे तो देख सकते हैं काफ़ी भद्दा लग रहा है, अगर प्लस भी कर देंगे तब भी ये काफ़ी भद्दा लग रहा है। तो इसे आप अपने मैनुअल अपने जो है ना फोटो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं टिंट को और टेम्परेचर को। तो गाइज ये था हम लोगों का वाइट बैलेंस। तो सिंपल से यहाँ से इसे हम लोग कट कर लेते हैं। तो गाइज अगेन हम इसी टूल्स के आइकन पर क्लिक करेंगे, और गाइज हम लोगों ने चार टूल्स के बारे में आप लोगों को बता दिया है, तो पाँचवा हम लोगों का क्या होने वाला है गाइज, कर्व टूल, सॉरी गाइज क्रॉप टूल।
तो सिंपल से आप अगर क्रॉप वाले ऑप्शंस पे गाइज क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ से आप अपनी फ़ोटो को ऐसे क्रॉप कर सकते हैं। यानी कि गाइज अगर छोटा करना चाहते हैं फ़ोटो को, इतना करना चाहते हैं, तब भी ये फ़ोटो छोटा भी हो जाएगा। और ऐसे आप ना जितना चाहते हैं कि इतना हम लोगों का एरिया हो, तो जितना ये वाला ब्लू वाला लाइन है गाइज, इतना आपकी फ़ोटो को भी आप क्रॉप कर सकते हैं यहाँ से। तो गाइज मैं यहाँ पर कोई भी क्रॉप नहीं करने वाला हूँ, और यहीं से गाइज ना इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे साइज मिल जाएंगे, सोशल मीडिया साइज, जिसे भी आप करना चाहते हैं, जिस भी सोशल मीडिया अगर प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको साइज भी मिल जाएगा। तो सिंपल से आप जिस भी साइज में चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये था क्रॉप टूल, जिससे आप अपनी फ़ोटो की ना क्रॉप कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो सिंपल से गाइज यहाँ से हम लोग कट क्लिक कर देंगे, और जैसे ही गाइज आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं टूल्स पे हम लोग क्लिक करेंगे, हम लोगों ने बता दिया क्रॉप टूल के बारे में। तो इसके बाद गाइज आता है रोटेट टूल। जी हाँ दोस्तों, रोटेट वाले ऑप्शंस पे हम लोग क्लिक कर लेंगे, और यहाँ से आप अपनी फ़ोटो को ना रोटेट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ से गाइज, ऐसे आप क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं हम लोग की फ़ोटो जिस भी टाइप से आप रोटेट करना चाहते हैं यहाँ से रोटेट हो जाएगा। तो और यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो आपकी देख सकते हैं फ्लिप रोटेट हो जाएगी। तो गाइज ये रोटेट की मदद से आप अपनी फ़ोटो को उल्टा सीधा जैसा भी आप चाहते हैं गाइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से गाइज बैक हो जाता हूँ अगेन टूल्स के आइकन पे क्लिक करके, और प्रीस्पेक्टिव वाले ऑप्शंस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो इस पे गाइज आप ऐसे क्लिक करेंगे ना, तो आपको अपनी फ़ोटो को अगर आप 3D भी बनाना चाहते हैं गाइज, यहाँ से देख सकते हैं ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पे एक मैजिक वाला ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आपकी फ़ोटो ना टेढ़ा क्लिक हुआ है तो इसे ऑटोमेटिक ये सही कर देगा। तो देख सकते हैं अभी फ़िलहाल ये हम लोगों की फ़ोटो काफ़ी ऐसे ऐसे क्लिक हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी सेटिंग काम नहीं करेगा। और यहाँ पर गाइज देख सकते हैं एक और ऑप्शन है यहाँ पे रोटेट वाले पे, अगर क्लिक करके आप इस साइड करेंगे तो काफ़ी स्मार्ट तरीके से यह बना देगा। देख सकते हैं गाइज काफ़ी अच्छा मैजिक टूल की तरह ये काम कर रहा है, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है गाइज। और इसके बाद सिंपल से गाइज यहाँ से हम लोग बैक आ जाएंगे, और बैक आ जाने के बाद सिंपल से आपको फिर से टूल्स पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे एक्सपेंड का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो एक्सपेंड वाले ऑप्शन पे गाइज आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको नीचे साइड में 3 ऑप्शंस मिलेंगे गाइज। पहला तो मिल जाएगा स्मार्ट, वाइट और ब्लैक्स। स्मार्ट का मतलब ये है गाइज, अगर आपका ना अपनी बैकग्राउंड किसी और कम है तो ऐसे ही से पकड़ के ऐसे इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये ना मैजिक तरीके से रिकवर कर लेगा, बैकग्राउंड ही रहेगा साइड में, और आपका बैकग्राउंड बड़ा भी कर सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड से आपको बड़ा कर देगा ऐसे। तो गाइज ऐसे आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमसे राइट क्लिक हो गया है, तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ, और सिंपल से यहाँ से आपको एक वाइट मिल जाएगा। वाइट पे अगर आप क्लिक करते हैं ऐसे इंक्रीज करेंगे तो आपके बैकग्राउंड में वाइट आउटलाइन बन जाएगा। तो गाइज मुझे यही सब यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं मैजिक तरीके से भी, अगर आप अपने बैकग्राउंड के साइड में वाइट पार्ट रखना चाहते हैं तब भी यहीं से कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ से हम लोग कट क्लिक कर देंगे, और ओरिजिनल पे आके यहाँ से हम लोग बैक हो जाएंगे। तो गाइज ये था एक्सपेंड टूल, जिससे आप अपनी ना बैकग्राउंड को बढ़ा सकते हैं, और चाहते हैं कि आपके बैकग्राउंड में वाइट आउटलाइन हो जाए तो वो भी यहां से गाइज सिंपली आप कर सकते हैं। तो गाइज इसके बाद क्या करेंगे, टूल्स वाले आइकन पे आपको अगेन क्लिक कर देना होगा, और गाइज ये है सेलेक्ट टू टूल। जी हाँ दोस्तों, सेलेक्ट टू टूल की मदद से आप किसी भी पार्ट को सिलेक्ट करके ना उसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी कर सकते हैं। तो सेलेक्टिव वाले को सिंपल से यहाँ से सिलेक्ट करके, अगर आप चाहते हैं आपकी फेस की लाइट को बढ़ाना तो यहाँ से फेस को सिलेक्ट करके गाइज ऐसे छोटा कर लेंगे, और ऐसे यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को आप इंक्रीज कर सकते हैं। चाहे तो इसकी कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और नीचे आके इसकी सैचुएशन को हम लोग डिक्रीज कर देंगे। और गाइज जिस भी पार्ट को आप चाहते हैं ना, इस सेलेक्ट टू की मदद से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और जिस एरिया को आप सेलेक्ट किए रहेंगे गाइज ना, उसी एरिया में ये है जो वर्क करेगा। तो ये काफ़ी अच्छा टूल्स है गाइज, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो वो सिंपल से गाइज यहाँ से हम लोग कट क्लिक कर देंगे, और उसके बाद गाइज क्या करेंगे, अगेन इसी टूल्स वाले आइकन पे आपको क्लिक करना होगा, और गाइज उसके बाद मिल जाएगा आपको ब्रश टूल। जी हाँ दोस्तों, ब्रश टूल की मदद से आप ना देखिए क्या कर सकते हैं। तो ब्रश वाले ऑप्शन पे गाइज आप क्लिक कर देंगे, अगर आप यहाँ पे एक पहला ब्रश मिल जाएगा डर्जन एंड बर्न वाले, तो गाइज इसकी साइज आप देख लीजिएगा, अभी साइज हम लोगों ने 10 रखा है। और यहाँ से ना ऐसे हम लोग अपने फेस पे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से हम लोग की फेस की लाइट बढ़ेगी, और ऐसे नीचे साइड में जो तीर है गाइज इस पर क्लिक करके अगर हम लोग -10 कर देंगे तो ऐसे यहाँ से हम लोग लाइट घटेगी। और गाइज इसे तीर ऊपर तीर वाले आइकन पे क्लिक करके इरेजर पे ला देंगे तो ये सारी हम लोग यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं।
तो गाइज यह था डॉर्ज एंड बर्न पहला ब्रश, और अगेन ब्रश वाले ऑप्शंस पे आ जाएंगे, एक्सपोजर पे हम लोग क्लिक कर देंगे ना, तो यहाँ से साइज, यहाँ से भी आप साइज लेके ना ऐसे कर सकते हैं जो भी आपको काम करना है। देख सकते हैं कहीं के भी पार्ट को हम लोग एक्सपोजर को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये देख सकते हैं गाइज, ये भी काफ़ी अच्छा टूल्स है। तो यहाँ से भी हम लोग ब्रश हटा देंगे और सिंपल से इरेज पे आके गाइज ना इसे हम लोग पूरा इरेज कर देंगे। अगेन ब्रश की आइकन पे आके टेम्परेचर मिल जाएगा, सैचुएशन मिल जाएगा गाइज, सेम प्रोसेस से आप कुछ भी अपनी फोटो में कर सकते हैं। तो गाइज ये था ब्रश टूल जिसके मदद से आप अपनी किसी भी पार्ट को ना ब्राइट कर सकते हैं, जो भी काम करना है गाइज ना ब्रश टूल की मदद से आप कर सकते हैं। तो गाइज सिंपल से यहाँ से हम लोग बैक हो जाएंगे और अगेन इसी टूल्स के आइकन पे आपको क्लिक कर देना होगा, और गाइज इसके बाद मिलेगा हम लोगों का फेवरेट, हमारा फेवरेट, आपका फेवरेट हीलिंग टूल। जी हाँ दोस्तों, हीलिंग टूल की मदद से ना आप अपने बैकग्राउंड के बैकग्राउंड से ना किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। कैसे करना है गाइज इसे हम आपको बता देते हैं। तो हीलिंग वाले ऑप्शंस में गाइज आपको क्लिक करके, जैसे कि मुझे अपने जो हेड है ना सर उसको रिमूव करना है, तो सिंपल से इसे हम लोग ऐसे पेंट कर लेंगे गाइज और ऐसे छोड़ देंगे, और छोड़ेंगे गाइज ना तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोगों का सर जो है ना रिमूव हो जाएगा। अगर ये अच्छे तरीके से काम नहीं करता तो आप दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं। देख सकते हैं हम लोगों ने अपनी पूरी बॉडी को ऐसे रेड कर दिया है, और यहाँ से सिंपली ये हम लोगों का बॉडी जो है रिमूव हो जाएगा बैकग्राउंड से, और केवल यहाँ पे आपका बैकग्राउंड ही बचेगा। तो गाइज है ना काफ़ी अच्छा टूल्स, तो इसकी मदद से आप अपने बैकग्राउंड से किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपल से गाइज यहाँ से हम लोग कट क्लिक कर देंगे, और अगला टूल्स के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो टूल्स पे गाइज क्लिक कर देंगे और इसके बाद मिल जाएगा HDR स्कोप। जी हाँ दोस्तों, ये CV एडिटिंग में ज़्यादा यूज किया जाता है, जिससे आप अपनी कपड़े की चमक, फोटो की लाइट, सारी चीज़ें मतलब HDR कर सकते हैं, हाईलाइट में यानी कर सकते हैं। तो HDR वाले ऑप्शंस पे गाइज आपको क्लिक करना होगा, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कई सारे मिल जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे नेचुरल मिल जाएगा, पीपुल मिल जाएगा, फाइन मिल जाएगा, स्ट्रॉन्ग मिल जाएगा, जिस भी टाइप की HDR आप अपनी फ़ोन यानी कि फ़ोटो में रखना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये था, और जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाले पे क्लिक करके और इसकी फ़िल्टर स्ट्रेंथ को ना ऐसे हम इंक्रीज़ करेंगे, तो ये काफ़ी हार्ड देख सकते हैं फ़िल्टर हम लोगों के यहाँ से हो जाएगी, और नीचे आके इसकी ब्राइटनेस को भी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और नीचे आएंगे इसकी सैचुएशन को भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो गाइज ये था HDR टूल्स जिसकी मदद से आप अपनी फ़ोटो को ना क्वालिटी बढ़ा सकते हैं और पूरी लाइट को पॉप कर सकते हैं, यानी कि ये गाइज CV एडिटिंग में ज़्यादा यूज किया जाता है। तो सिंपल से यहाँ से कट वाले आइकन पे आपको क्लिक कर देना होगा, और अगेन वाली क्या करेंगे गाइज, अगेन इसी टूल्स वाले आइकन पे हम लोग क्लिक कर देंगे, और अगला मिल जाएगा गाइज यहाँ पे ग्लो कर का एक ऑप्शन। तो ग्लो वाले ऑप्शंस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो गाइज यहाँ पे प्रीसेट टाइप की आपको कुछ फिल्टर मिल जाएंगे देख सकते हैं, जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग एक क्लिक में इस प्रीसेट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि गाइज देख सकते हैं यहाँ पे ग्लो वाले पे मैंने क्लिक किया थर्ड वाले नंबर पे, और यहाँ पे ग्लो हम लोग का 100 है, ऐसे हम लोग 100 कर देंगे, और इसकी सैचुएशन को भी आप यहाँ से डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं, और ऐसे नीचे आके और यहाँ से आप जिस भी टोन में इस फिल्टर को अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ से कट कर देंगे, और ये था गाइज ग्लो टूल्स जिसकी मदद से आप यहाँ पे गाइज फिल्टर की तरह ये काम करता है। और इसके बाद आ जाता है टोनल कंट्रास्ट। जी हाँ दोस्तों, टोनल कंट्रास्ट की मदद से ना आप अपनी फ़ोटो में ना एक अच्छी क्वालिटी की कंट्रास्ट को ऐड कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोटो में बिल्कुल कंट्रास्ट नहीं है तो इसकी मदद से अपना एक्सटर्नल कंट्रास्ट उसमें ऐड कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है गाइस, सिंपल से इस टोनल कंट्रास्ट वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना होगा, और जैसे ही गाइज आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से एक हाई टोन आपको मिल जाएगा, ये ऑटोमेटिक आपको सेटिंग करके दे देगा। अगर आप चाहते हैं मैनुअल भी सेटिंग करना तो भी आप कर सकते हैं। तो कैसे करना है गाइज, हाई टोन को आप इंक्रीज कर सकते हैं, मिड टोन मिल जाएगा यहाँ से, लो टोन मिल जाएगा, और पोर्ट्रेट शैडो मिल जाएगा, और पोर्ट्रेट हाईलाइट, यहाँ गाइज आपको कई सारे मिल जाएंगे। तो इनकी मदद से आप अपनी फ़ोटो में कंट्रास्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो सिंपल से गाइज ये था टोनल कंट्रास्ट। तो सिंपल से यहाँ से कट वाले आइकन पे आपको क्लिक कर देना होगा। सो गाइज ये था टोनल कंट्रास्ट। तो इसके बाद क्या करेंगे गाइज, अगर अगले टूल्स को जानने के लिए
इसी टूल्स वाले आइकन पे आपको क्लिक कर देना होगा। और यहाँ पे था गाइज एक डर्मा का ऑप्शन, तो डर्मा वाले ऑप्शंस पे आप गाइज क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे एक प्रीसेट की तरह ये भी काम करता है, देख सकते हैं डर्मा वन सेलेक्ट कर सकते, टू ब्राइट, आपको कई सारे यहाँ पे यानी कि गाइज प्रीसेट टाइप के यहाँ पे आपको फिल्टर मिल जाएंगे। तो डर्मा का काम यही होता है गाइज। तो सिंपल से यहाँ से हम लोग बैक हो जाएंगे और अगेन गाइज क्या करेंगे, इसी टूल्स वाले आइकन पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे विगनाइट विनटैग का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो विनटैग वाले ऑप्शंस पे गाइज आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिल्टर की तरह ये भी काम करता है गाइज। ये इसकी मदद से मैंने कई सारे वीडियो को जो है एडिट किया है यानी फोटो को। तो यहाँ पे डर्मा हम लोग 12 सेलेक्ट करके इसकी सेटिंग्स को क्या कर सकते हैं, सैचुएशन को ऐसे हम लोग इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। और नीचे आके इसकी स्टाइल को इंक्रीज करेंगे तो साइड साइड से आपका ब्लैक होगा, और विगनेट को इंक्रीज करेंगे तब भी ये साइड से ब्लैक हो जाएगा। तो गाइज यही होता है विनटैग का काम, मैंने बता दिया है। तो सिंपल से यहाँ से कट वाले आइकन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। और गाइज अगला टूल्स के बारे में जानने के लिए क्या करेंगे, इसी टूल्स के आइकन पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे ग्रेनी फिल्म एक करके ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो गाइज क्या करेंगे आप लोग ना, सिंपल से इसी फिल्म वाले ऑप्शंस पे अगर आप क्लिक कर लेते हैं, तो गाइज इस फिल्म वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे ना तो ये भी प्रीसेट की तरह काम करेगा। तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पे कई सारे आपको प्रीसेट मिल जाएंगे, बहुत सारा गाइज है, A01 A02 करके है। तो आप वन क्लिक में गाइज यहाँ से आप अपनी फ़ोटो को जो है ना एडिट कर सकते हैं और इसकी सेटिंग्स को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो अगर ग्रेन को आप रखना चाहते हैं तो ऐसे आप इंक्रीज कर देंगे, अगर नहीं रखना चाहते हैं तो ऐसे डिक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टाइल स्ट्रेंथ का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ से हम लोग बैक हो जाएंगे। और ये था गाइज फिल्म टूल्स जिसे आप फिल्म यूज कर सकते हैं। और एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा रेट्रो लुक्स करके, तो इसको आपको ऐसे ही मूछ की तरह है गाइज, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे भी गाइज आपको फिल्टर की तरह ही ये भी काम करता है। देख सकते हैं वन क्लिक में आप अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला फ़िल्टर मुझे अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाएंगे जिसे आप ना छेड़छाड़ के, यानी कि गाइज छेड़ना छाड़ना नहीं है, एडजस्ट करके आप अपनी फ़ोटो को जो है एडिट कर सकते हैं। तो गाइस कैसे करना है, देखिए यहाँ पे कंट्रास्ट को हम लोग इंक्रीज कर लेंगे और नीचे आके इसकी हाईलाइट सैचुएशन को भी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। और जो भी गाइस यहाँ पे है ना, इसे आप इधर उधर करके आप अपनी फ़ोटो को बना सकते हैं। तो गाइस सिंपल से क्या करेंगे, ये यहाँ से हम लोग बैक हो जाएंगे, कट वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे। और गाइस ये था हम लोगों का ना ये वाला टूल्स, और एक है ग्रंग करके एक टूल्स ये वाला इसके बगल वाला। तो गाइज इस पर हम लोग क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे ये भी एक फिल्टर की तरह ही मिल जाएगा गाइज, देख सकते हैं कुछ इस टाइप की मिल जाएगी। तो इसे भी हम लोग ऐसे यूज कर देख सकते हैं, ऐसे हम लोग इंक्रीज करेंगे ना तो यहाँ से आपको बैकग्राउंड देख सकते हैं कलर, यहाँ से बैकग्राउंड की कलर चेंज हो रहा है। तो गाइज अगर जिस भी जैसे कि ये वाला टोन हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा है तो इसी टोन पे रहने देंगे स्टाइल, और 1182 पे ये जो है ना बैकग्राउंड इतना अच्छे से जो है कलर कर रहा है। तो इसके बाद गाइज क्या करेंगे, यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और नीचे आएंगे इसकी कॉन्ट्रास्ट को भी आप इंक्रीज करके और सैचुएशन को भी इंक्रीज कर सकते हैं गाइज, यानी कि जो भी आप इस फिल्टर के साथ करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ, केवल गाइज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कोई किस टूल से क्या होता, अगर आप ये जान जाएंगे गाइज ना तो आप किसी भी फोटो को गाइज आसानी से एडिट कर सकते हैं। तो गाइज टूल्स वाले आइकन पर अगेन क्लिक करना होगा, और इसके बाद गाइज आता है ना ब्लैक्स एंड वाइट। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक एंड वाइट का आपको तो पता ही होगा क्या होता है, तो तब भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो ब्लैक और वाइट वाले ऑप्शंस पे गाइज आप क्लिक करेंगे ना तो कुछ इस टाइप की आप अपने फ़ोटो को ना ब्लैक एंड वाइट में एडिट कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पे आपको कुछ फिल्टर भी मिल जाएंगे, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट में ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं या ब्राइट में करना चाहते हैं या डार्क में करना चाहते हैं। तो गाइज कुछ इस टाइप की आपको यहाँ पे फिल्टर भी मिल जाएगी कि आप अपनी फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट किस स्थिति में करना चाहते हैं, कॉन्ट्रास्ट में या जो भी है गाइज यहाँ पर आप ईजिली कर सकते हैं। तो गाइज इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से कट वाले आइकन पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो गाइज अगर अगली टूल्स को जानने के लिए क्या करेंगे, इसी टूल्स वाले आइकन पे क्लिक करके और यहाँ पे एक नोयर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो नोयर का मालूम है दोस्तों, यहाँ पे इसमें भी आपको कुछ प्रीसेट एंड फिल्टर्स मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। तो इसमें गाइज हम लोग क्लिक कर देंगे नोयर वाले
तो देख सकते हैं यहाँ पे भी कई सारे आपको फिल्टर्स मिल जाएंगे जिनको यूज करके गाइज आप अपनी फोटो को ना काफ़ी अच्छे से एडिट कर सकते हैं, यानी कि गाइज ये प्रीसेट की तरह काम करता है। तो जैसा कि गाइज ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और यहाँ पे इसकी कुछ सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी जिसको आप कम बेसी करके ना आप अपनी फ़ोटो को जो है अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो गाइज ये था हम लोगों का नोए टूल, तो सिंपल से यहाँ से कट वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे और गाइज इसके बाद अगले टूल्स को जानने के लिए क्या करेंगे, इसी टूल्स वाले आइकन पे आपको क्लिक कर देना होगा और क्लिक कर लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक पोर्ट्रेट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो पोर्ट्रेट वाले ऑप्शंस में गाइज क्लिक करने के लिए क्लिक कर देंगे सिंपल से यहाँ से, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप यहाँ अपनी फेस को स्मूथ भी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ पे इजीली आप अपनी फेस के साथ कर सकते हैं। तो गाइज क्या करेंगे, अगर इस फेस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे मिल जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी मिल जाएगा, जो भी इफ़ेक्ट लगेगा केवल हम लोग के फेस पे ही लगेगा। तो यहाँ पे सिंपल से मैं नॉन ही रहने दूंगा और इसकी इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे फ़िल्टर वाले, तो यहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट्रेट लाइट 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, स्मूथ मिल जाएगा, स्मूथ 2 मिल जाएगा, यानी कि गाइज कई सारे यहाँ पे आपको फ़िल्टर की तरह मिल जाएंगे। तो गाइज आप जब भी अपनी फेस को स्मूथ करें तो स्मूथ 2 को यहाँ से सेलेक्ट करके और फेस स्मूथ लाइट को ऐसे आप इंक्रीज करेंगे गाइज ना, तो यहाँ से आपकी केवल फेस पे लाइट आएगी और नीचे वाले स्किन स्मूथिंग को ऐसे इंक्रीज करेंगे तो यहाँ आपकी फेस जो है देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से स्मूथ होगा। और नीचे आएंगे आई क्लियरिटी को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आई आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो गाइज ये था पोर्ट्रेट का काम जिसके मदद से आप अपनी फेस को स्मूथ कर सकते हैं गाइज, और साथ ही आप अपनी फेस पे एक अच्छी तरीके से लाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो गाइज यहाँ से सिंपल से हम लोग कट वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे और गाइज अगेन क्या करेंगे, हम इसी टूल्स के आइकन पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको हेड पोज का एक ऑप्शन मिल जाएगा गाइज। इससे क्या होता है कि आप अपनी ना पोज को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल से यहाँ से हेड पोज वाले ऑप्शंस पे हम लोग क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आपको यहाँ पे सेटिंग्स भी मिल जाएंगे। अगर आप अपनी फेस पे स्माइल रखना चाहते हैं तो स्माइल पे आके इसे इंक्रीज कर देंगे, अगर डिक्रीज करेंगे तो स्माइल आपकी ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ से आप हाथ से भी कर सकते हैं, इस पर आके ना अगर आप अपने फेस को देख सकते हैं गाइस ऐसा हम लोग नीचे करेंगे फेस पे उंगली ड्रॉ करके तो हम लोग की फेस नीचे होगी, अगर ऊपर करेंगे तो ऊपर होगा और इस साइड करेंगे तो इस साइड होगा। तो गाइज इससे आप अपनी फेस को ना जो हेड होता है उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं इस टूल्स की मदद से। तो सिंपल से यहाँ से गाइज कट वाले आइकन पे हम लोग क्लिक कर देंगे और अगेन गाइज क्या करेंगे, इसी टूल्स की आइकन पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे लेंस ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी मदद से ना आप अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं काफ़ी HD क्वालिटी में। कैसे करना है इससे मैं आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल की मदद से बता देता हूँ। तो लेंस ब्लर के ऑप्शंस पे गाइज क्लिक करके और यहाँ पे जिस भी पार्ट को आपको ब्लर नहीं रखना है उस पर आपको इस सर्कल को रख देना होगा और कितना आपको ब्लर करना है इस ब्लर स्ट्रेंथ वाले ऑप्शन के मदद से आप कर सकते हैं। तो गाइज इतना मैं रख लेता हूँ और इसकी ट्रांजेक्शन को आप ऐसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैं इतना कर लेता हूँ और इसके बाद क्या करेंगे, इसकी ब्लर स्ट्रेंथ को ऐसे इंक्रीज कर लेंगे और यहाँ पे एक विगनेट का ऑप्शन इसकी मदद से आप अपने बैकग्राउंड को ना साइड साइड से डार्क भी कर सकते हैं। तो गाइज इसकी मदद से आप अपनी फ़ोटो की बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। तो सिंपल से गाइज यहाँ से कट वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे और गाइज इसके बाद क्या करेंगे, इसी टूल्स के आइकन पे अगेन क्लिक करेंगे और यहाँ पे विगनेट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, विगनेट की मदद से आप अपनी फ़ोटो की साइड साइड में ब्लैक जो है ना साइडों को डाल सकते हैं। वो कैसे डालना है इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे सिंपल से और इसकी आउटर ब्राइटनेस को ऐसे हम लोग डिक्रीज करेंगे तो देख सकते हम लोग की फ़ोटो की साइड में ब्लैक हो रहा है। तो गाइज इसका यही काम होता है कि आप अपनी फ़ोटो के ना साइड साइड में ब्लैक साइडों को डाल सकते हैं। तो सिंपल से गाइज यहाँ से भी हम लोग कट क्लिक कर देंगे और उसके बाद गाइज क्या करेंगे ना, इसी टूल्स की आइकन पे आपको अगेन क्लिक करना होगा और यहाँ पे डबल एक्सपोजर का ऑप्शन मिल जाएगा। गाइज इसकी मदद से आप अपनी फ़ोटो के ऊपर भी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, PNG ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो भी आप चाहते हैं ना यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है गाइज, सिंपल से डबल एक्सपोजर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके सिंपल से गाइज जिस भी फ़ोटो को आपको यहाँ से ऐड करना है सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे गाइज आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से
आपको मिल जाएगा लाइटेन डार्केन जो भी आपको करना है यहाँ से सिंपली आपको ऐड कर लेना होगा। तो फिलहाल के दोस्तों यहाँ से आप PNG भी ऐड कर सकते हैं, मैंने फ़ोटो की ही ऐड कर लिया है इसलिए उतना परफेक्ट तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ से कट वाले आइकन पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं। सो गाइज इसके बाद आता है इसी टूल्स के आइकन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइज एक टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा जिसकी मदद से आप अपनी फ़ोटो में ना कुछ भी लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसको लिखने के लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके डबल टाइप करके यहाँ पे जो भी आपको टाइप करना है गाइज यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हैं। तो मैंने फिलहाल रैंडमली कुछ भी ऐसे टाइप करके यहाँ से ओके क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे एक फॉन्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से जिस भी फॉन्ट को आप रखना चाहते हैं उसे सिंपल से रख सकते हैं। तो बहुत सारे फॉन्ट यहाँ पे गाइज आपको देखने को मिल जाएगा तो ऐसे यहाँ से सिंपली रख सकते हैं। और कलर की बात करें गाइज तो यहाँ से इसकी कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं जो भी कलर में इस टेक्स्ट को आप लिखना चाहते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा है गाइज। तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कट क्लिक कर देंगे। और ये था गाइज टेक्स्ट टूल जिसकी मदद से आप अपनी फ़ोटो में कुछ भी लिख सकते हैं। तो गाइज इसके बाद आता है हम लोगों का यहाँ पे टूल्स के आइकन पे अगेन क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक मिल जाएगा फ्रेम्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अपनी फ़ोटो को फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना सारे यहाँ पे फ्रेम मिल जाएंगे और जिस भी फ्रेम को आप रखना चाहते हैं सिंपली यहाँ से रख सकते हैं। तो गाइज ये भी काफ़ी अच्छा है। तो सिंपल यहाँ से आप सेटिंग भी कर सकते हैं जितना आपको चाहिए और मिनिमम यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से कट वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे और गाइज फाइनली काम ये आता है कि जो भी हम लोग इस फोटो में फ़िल्टर को ऐड करेंगे अगर आप उसे चाहते हैं ना केवल आपके बैकग्राउंड पे रहे और आपके बॉडी पे नहीं रहे तो उसको कैसे करना है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एग्जांपल के लिए गाइज इसी टूल्स के आइकन पे आपको क्लिक करना होगा, ऊपर की ओर आ जाएंगे, ट्यून इमेज के ऑप्शंस पे गाइज आप क्लिक कर दिए और यहाँ से इसकी सैचुएशन का आप इंक्रीज कर दिए और यहाँ से आप सोचते हो कि ये इफेक्ट जो हम लोग के बैकग्राउंड पर रहे स्क्रीन पे ना रहे तो उसको करने के लिए गाइज क्या करेंगे, इसी राइट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे और ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे अंडू भी मिल जाएगा, रिवर्ट भी मिल जाएगा, वी एडिट, तो वी एडिट के ऑप्शंस पे आप क्लिक करके ट्यून इमेज पे क्लिक करके यहाँ से ब्रश को लेके गाइज इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे, साइज यहाँ से जीरो हो जाएगा और सिंपल से आप अपनी फेस पे से जहाँ जहाँ से चाहते हैं इस इफेक्ट को हटाना ऐसे आपको ब्रश को चला देना होगा, वहाँ से इस इफेक्ट को आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो गाइज ऐसे आप किसी भी स्नैपसीड की किसी भी टूल्स को यूज करके फिल्टर को ऐड कर सकते हैं और जहाँ से चाहते हैं उस फिल्टर को हटाना ऐसे ही आप सिंपली हटा सकते हैं। तो यहाँ से मैं राइट क्लिक कर लूँगा और राइट क्लिक करते ही देख सकते हैं यहाँ से बैक हो जाऊँगा तो कुछ इस टाइप की फ़ोटो आपकी देखने को मिल जाएगी। तो गाइज इसके बाद हम लोगों का क्या आता है, फ़ोटो को सेव कैसे करना। सेव करने के लिए गाइज क्या कर सकते हैं, सिंपल से आप लोगों को ना एक्सपोर्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं शेयर भी फ़ोटो को कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एस भी कर सकते हैं। तो जो इसमें आप जो भी करना चाहते हैं यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो सिंपल से यहाँ से हम लोग सेव कर देंगे और हम लोग ये फ़ोटो गाइज ना गैलरी में सेव ईजिली हो जाएगी और इसमें आपकी फ़ोटो की क्वालिटी बहुत कम ही लॉस होती है गाइज, मान के चलिए कि लॉस ही नहीं होती है। तो गाइज अगर आप इस वीडियो को अगर पूरा फूल देखे होंगे ना तो अपना स्नैपसीड के मास्टर बन गए होंगे और आप अपनी किसी भी फ़ोटो को ना इसमें काफ़ी अच्छे से एडिट कर सकते हैं। और गाइज ये था स्नैपसीड की फुल ट्यूटोरियल जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को बनाने में गाइज मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।